नाउ वी विल सी वट वर दैलेंजेस एंड इशू इम्प्लीमेंट दोस्टिट्यूशन जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया अगर कोई जुर्म होता है और उसकी रिपोर्ट की जाती है तो फिर तो जो मुजरिम है उसको करार वाकई सजा मिल जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ इट इज नॉट रिपोर्टेड सो लैक ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंड कम्प्रीहसिज रिगार्डिंग चाइल्ड सेफ्टी Some forms of abuse by are, अगर वो रिपोर्ट ही नहीं होते तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है किसी किस्म का कानून लागू नहीं हो सकता अफसोस की बात यह है जैसे मैंने अर्ज किया कि तालीमी इदारों के अंदर भी बच्चों को सेक्शुअल अब्यूज़ का खतरा है और वो इस करते हैं किस तरह से करते हैं सम टाइम्स कमेंट्स और जोक्स कोई ऐसी बात कह देते हैं जो जूमानी है कोई ऐसा कमेंट करते हैं जिससे बच्चा जो है वो उसका उसकी जो जज्बाती हालत है उसको नुकसान पहुंचता है शोइंग न्यूड फोटोज उस बच्चे को काम खा में उसको अनस्टेबल करने के लिए कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी दि, दिखाई जाएं मार्क्स ऑफ अ सेक्शुअल नेचर या उनको किसी तरह भी जिनसी तौर पर प्रोवोक किया जाए गलत किस्म के मैसेज दिए जाए कन्विंसिंग द चाइल्ड दैट द चाइल्ड इज गे और लेसमियन या फिर इस तरह की उनको बातें बताई जाएं, सो एक्सप्रेसिंग द सेक्शुअल इंटेंट किसी भी तरह से अल्फाज के जरिए एक्शन के जरिए या किसी मवाद के जरिए बच्चों को कोई भी जिनसी लिटरेचर या इस तरह की बातें की जाएंगी तो अनस्टेबल होंगे और जहनी तौर पर परेशान होंगे सो चाइल्ड सेक्शल एब्यूज अकर्स इन एम्पटी क्लास रूम और इन ऑफिस तो एक तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि बच्चे अगर इस तरह के क्लास रूम में के साथ अकेले हों जहाँ पे और कोई ना हो तो फिर सबसे ज्यादा खतरा है Uh, आगे चल के हम बात करेंगे कि इस इदारे किस तरह से मदद कर सकते हैं कि इस तरह के जराइम जो है वो ना कर पाए सो पीटोफाइज टीचर्स इन स्कूल यूज मैनी ट्रैप स्टूडेंट्स अब uh, जिनकी नीयत ही अच्छी नहीं है जो जुर्म के इरादे से स्कूलों में दाखिल होते हैं या ऐसे उस्ताद जिनकी नीयत uh, पढ़ाने की बजाय बच्चों को एक्सप्लोय करना होता है वो मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ वो अकेलापन इख्तियार करें और कैसे उनको अपनी बातों में ट्रैप करें सो टीचर्स टिपिकली फोकस ऑन वलनरेबल और मार्जिनलाइज हु फील पर्टिकुलरली टीचर्स अटेंशन तो कोशिश ऐसे इस ये होती है कि वो बच्चों को इस तरह से ट्रैप करें उन बच्चों को जो पहले से महरूमी का शिकार हैं या जिन पर कोई तोज्जो नहीं देता या उनको दूसरों का दोस्त बनना या दूसरों के करीब आना अच्छा लगता है क्योंकि उनके घर पे उनको कोई तवज्जो नहीं देता वो अगर देखें देखे उसको तो पहचान लेते हैं कि इस बच्चे को वो अपनी तरफ माइल कर सकते हैं तो फिर वो ज़्यादा खतरे की बात है नो डेटा ऑफ सी एस एज अवेलेबल तो कोई यही हम अर्ज़ कर रहे हैं कि कोई रिपोर्ट ही नहीं करता अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो जाए तो ना तो इदारे के अंदर किसी को कोई बताता है क्योंकि ये सब काम सीक्रेसी में होता है दूसरों से छुप के जितनी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों के सामने नहीं आती और इदारे के सरबराहान तक को पता नहीं चलता और अगर पता चल जाए तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी बात को छुपाया जाता है ताकि स्कूल की या इदारे की रेपटेशन जो है वो ख़राब ना हो जाए सो नो ऑफिशियल एजेंसी और डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ प्रेजेंट तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा डेटा सिस्टम है ही नहीं जहां पे पता चले कि कितने बच्चों के साथ जाती की गई या कितने बच्चों को हरास किया गया या परेशान किया गया ताकि उस डेटा की मदद से फर्दर कोई पॉलिसीज़ बनाए जा सकें या उसके बचाव के लिए कोई कोशिशें की जा सकें तो अब सूरत हाल ये है कि हम अगर इन सारी बातों को पहले से समझते हों तो मजीद उसके लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और हमेशा ये सूरत रखी जाए कि कोई इस तरह की गलती तो हो ही नहीं सकती किसी इदारे में और आप किसी पे शक नहीं करेंगे या इस तरह के कोई मौाक़े पैदा होने में कोई रुकावट नहीं बनेंगे तो मामला पहले से ज्यादा खराब हो जाएंगे